for the all-round development of the eastern region of the country, covering Bihar, Jharkhand, West Bengal, Odisha, and Andhra Pradesh, to make the region an engine to attain Vikasit Bharat. हाँ, हमको झारखंड में कुछ नहीं मिला. झारखंड के नाम पर जो हम लोग सोच रहे थे कि कुछ यहाँ पर यूनिवर्सिटी होगा, यहाँ पे एम्स के तर्ज पर कुछ और बड़े वो अस्पताल खुलेंगे, तो शिक्षा स्वास्थ्य पर कुछ ऐसा हम लोगों को कुछ मिल नहीं रहा है. आप देख रहे हैं केवल भारत का बजट. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने लोकसभा में आम बजट पेश किया. वित्त मंत्री का यह लगातार सातवां बजट रहा. उन्होंने बजट पेश करते हुए कहा कि सरकार का फोकस गरीब, महिला, युवा और अन्नदाता पर रहेगा. साथ ही 9 प्राथमिकताएं बताई, जिसमें कृषि, रोजगार, सोशल जस्टिस, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस, एनर्जी, अर्बन डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट व नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म है. देखा जाए तो ज्यादा कुछ लाभ मिला नहीं झारखंड को बजट से. बजट से सबसे ज्यादा खुशी बिहार, आंध्र प्रदेश को. झारखंड के लिए कितना लाभ रहा बजट, देखने वाली बात रहेगी. बजट को लेकर क्या कुछ कहा झारखंड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष किशोर मंत्री और साथ ही डॉक्टर अभिषेक रामाधीम, जो कि झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स के पूर्व महासचिव है, उन्होंने भी क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं. अभी पूरा उसकी जानकारी आएगी तो बता देंगे, लेकिन इनकम टैक्स में छूट है और उपकरण मोबाइल वगैरह में भी दाम गिरे हैं, गोल्ड और सिल्वर के भी दाम गिरने का अंदेशा मिला है. तो ये बजट ले दे करके मुझे मध्यम वर्गियों के लिए एक अनुरूप बजट मिल रहा है. हाँ, हमको झारखंड में कुछ नहीं मिला. झारखंड के नाम पर जो हम लोग सोच रहे थे कि कुछ यहाँ पर यूनिवर्सिटी होगा, यहाँ पे एम्स के तर्ज पर कुछ और बड़े वो अस्पताल खुलेंगे, तो शिक्षा स्वास्थ्य पर कुछ ऐसा हम लोगों को कुछ मिल नहीं रहा है, जो यहाँ के लिए चिंता का विषय है. यहाँ का माइनिंग सेक्टर के लिए भी अभी तक हमको कुछ उसका भी जानकारी नहीं मिल पा रहा है. और बजट का विश्लेषण करके हम लोग फिर आपको बताएंगे. धन्यवाद. देखो, टोटल मिला के जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करें तो 10 लाख से बढ़ा के 11,11,000 जो किया है, तो डेफिनेटली इट्स गोइंग टू वर्क ऑल ओवर द. अलग से झारखंड की अगर बात करें तो वित्त मंत्री जी ने झारखंड का नाम अलग से नहीं लिया, लेकिन जिस हिसाब से उतनी सारी बड़ी बड़ी जो योजनाएं आ रही है तो झारखंड को भी उसमें फायदा होगा. युवाओं के लिए क्या कुछ? युवाओं में एक भारत की जो प्रॉब्लम है अनस्किल्ड पॉपुलेशन, तो 1 करोड़ युवाओं को जो इंटर्नशिप बड़ी बड़ी ब्लू चिप कंपनी में सरकार के ने जो इनिशिएटिव लिया है, तो उससे बहुत फायदा होगा टू मेकिंग देम स्किल्ड. और अगर आपके पास स्किल है तो आप अपने पांव पे आगे बहुत जल्दी से आप खड़े हो सकते हो. इसके अलावा जैसे अब एमएसएमई हो गई, तो एमएसएमई में एंटरप्रेन्योरशिप के बाद में एमएसएमई में जो मुद्रा लोन होता है, सरकार 20 लाख रुपए तक दे रही है, तो युवाओं को और जो खुद से स्वरोजगार डेवलप करना चाहते हैं उनके लोगों को काफी फायदा होगा उससे. स्वास्थ्य में आप जैसा पूछ रही थी, तो कुछ कैंसर ड्रग पे हटा दिया गया है टैक्सेस, तो डेट और पूरा डिटेल तो अभी नहीं आया है, बट रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे सरकार ने फोकस किया है. तो डेफिनेटली सुविधाओं के लिए भी, तो जैसे महिलाएं लोगों के लिए भी क्या कुछ सोचा गया है? हाँ, तो महिलाओं के लिए अलग से जो पहले से टैक्स डिडक्शंस थे ही, अभी उसको कंटिन्यू रखा गया है. और अगर युवा पढ़ेगा, शिक्षित होगा, काम करेगा, तो अपने आप जो उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है वो घटेंगे. तो सरकार ने उनके एडुकेशन को बढ़ाने के लिए भी काम किया है. इस बार अगर आप देखें तो इंडिया के अंदर एडुकेशन के लिए जो पैसे हैं वो 10 लाख रुपए तक बढ़ा दिए गए हैं, और नए इंस्टीट्यूशंस खोलने के लिए सरकार ने इनिशिएटिव्स लिए हैं. अभी जब आप पढ़ के निकलिएगा तो आपको नौकरी कौन देगा अगर आपके पास में एक्सपीरियंस नहीं है? तो सरकार ने अपनी तरफ से इनिशिएटिव लेके उनके एक्सपीरियंस के लिए इंटर्नशिप प्रोग्राम्स भी स्टार्ट करवा रही है विद ऑल 500 ब्लू चिप कंपनी. तो उसमें हमारे युवाओं को काफी फायदा होगा उससे, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, जिनको आज के दिन में किसी बड़ी कंपनी में नौकरी नहीं मिल रही, नहीं लग रही, तो सरकार के द्वारा जो इनिशिएटिव, जो इंटर्नशिप है, उससे उनको फायदा होगा, उनको एक्सपीरियंस मिलेगा. उसके अंदर अपना काम करना चाहते हैं अपने खुद कर सकते हैं. मैं डॉक्टर अभिषेक रामाधीन, मैं ENT सर्जन हूँ, मैं IMA का उपाध्यक्ष हूँ और झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स का पूर्व महासचिव हूँ, और भारतीय जनता पार्टी का मैं चिकित्सा प्रकोष्ठ देखता हूँ.